सो है गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रीसेंट ओटीपी का मतलब क्या होता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर रीसेंट ओटीपी का मतलब क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे कि किसी भी ऐप है या कोई भी चीज़ है, तो गाइस उसमें आप लॉगिन हो रहे हैं और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया हुआ है या जीमेल में आया हुआ है या मतलब कैसे भी ओटीपी आया हुआ है आपके, तो गाइस वो ओटीपी आपको नहीं मिला और ओटीपी की लिमिट ख़त्म हो चुकी है, तो गाइस वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रीसेंड ओटीपी। उसी नंबर पर या उसी जीमेल पर एक बार अपन वापिस मतलब कि रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं, तो गाइज रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं, तो गाइज आपको ओटीपी मिल जाएगा। या मतलब कि रीसेंड मतलब कि एक बार फिर से भेजना है ना, तो गाइज एक बार फिर से ओटीपी आ जाता है या रीसेंड का ये मतलब होता है। तो गाइज आप आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, मतलब लाइव प्रूफ तो कहाँ समझूँ गाइज आपको मैं, लेकिन आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मतलब कि रीसेंड मतलब कि किसी चीज़ को वापस भेजना। बहुत सारे नहीं बोलते कि सेंड मी, तो गाइज है ना इन सेंड किया कुछ भी, फिर बाद में वो बोलते हैं रीसेंड मतलब कि उसके डिलीट हो गया या कुछ हो गया, तो गाइज वापस रीसेंड करना। तो गाइज रीसेंड ओटीपी का मतलब भी यही होता है कि अगर आपके सिम पर ओटीपी नहीं आया हुआ है, तो गाइज एक बार रीसेंड मतलब रीसेंड का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देंगे तो ओटीपी आ जाएगा। ये पूरी मतलब वीडियो का सार है। तो गाइज आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो होगी और पूरा समझ में आ गया होगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।